हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉक में। मैं हूं शुरू दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां पे एटीआई प्रो की तरफ से 4 चैनल एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों ये बाकी 4 चैनल के एम्पलीफायर से भी अलग होने वाला है, यहां पे क्वालिटी वाइज, यहाँ पे बिल्ड वाइज, यहाँ पे अंदर भी हम खोल के देखेंगे और यहाँ पे पार्ट्स की क्वालिटी हमें कैसी मिलती है वो भी हम जानेंगे। टेस्टिंग बहुत ही दमदार करके देखेंगे, यहाँ पे कहाँ तक बीट पॉइंट पे इसकी बीट बच सकती है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर की बॉक्स पैकिंग पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिलती है। इस साइड पे कोई ज्यादा आपको डिटेल नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये आता है इसका मॉडल नंबर ATI 4800 के नाम से, और कोई ज्यादा यहाँ पे आपको चीजें मेंशन नहीं कर रखी हैं। तो फटाफट से यहाँ से मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ उसको। तो दोस्तों ये आ जाता है कुछ इस टाइप से बॉक्स पैकिंग, और यहाँ पे बॉक्स पैकिंग के बाद आपको एक थर्मोकोल देखने को मिल जाता है जो कि काफी आपको मोटा देखने को मिलता है। तो हमेशा से जैसे कि मैंने आपको बताया पैकिंग से काफी ज्यादा संतुष्ट रहता हूँ। तो ये आता है एम्पलीफायर के चारों कोनों पे एक एक आपको देखने को मिल जाता है ये फोम, और यहाँ पे मैं एम्पलीफायर को निकाल के दिखाता हूँ उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे ATI प्रो की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यही दोस्तों देख सकते हैं इसका जो मॉडल नंबर है वह दोस्तों ATI 4800 यानी 4800 के इसको नाम से जाना जाता है। फ्रंट पैनल काफी अच्छा और यहाँ पे लुकिंग वाइज बहुत ही मजबूत, और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको देखते ही बन रहा होगा कितना खूबसूरत और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे एलन बोल्ट्स का काम करा गया है, तो ये आप एलन की बोल्ट्स का देख सकते हैं यहाँ पे सारा काम करा गया है। 4 नोब्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का इसके अंदर यूज करा गया है। तो यहाँ पे ये बिल्ड क्वालिटी में, और यहाँ पे जो फ्रंट पे जो मटेरियल यूज करा गया है वो बेसिकली यहाँ पे सारा मेटल में रखा गया है। यही दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपको पावर सिग्नल और 9 dB से लेके 0 dB तक का आपको जो इंडिकेटर लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाता है। यही दोस्तों क्लिप और प्रोडक्ट के लिए भी आपको सेपरेट इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। तो 1 2 3 4 यानी 4 चैनल के एम्पलीफायर, चारों चैनल के लिए आपको अलग अलग इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। पावर ऑन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये ब्लू कलर की पावर ऑन की आपको लाइट अलग देखने को मिलती है, चैनल ए, चैनल बी और चैनल सी और चैनल डी। फ्रंट पैनल पे आपको ये ग्रिल भी हल्का से देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फैन भी देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों ये हैंडल्स बार्स हो गए, यहाँ पे आपको फिट नहीं होते हैं ये, तो आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेंगे, तो आप बाद में इनको फिट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे फिट करके आपको दिखाया है। और दोस्तों अभी आप यहाँ भी देख सकते हैं ये है एम्पलीफायर का बैक पैनल, और बैक पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिलती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये फैन देखने को मिल रहा है, और फैन के ऊपर भी आपको ATI प्रो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे पार्ट से लेके यहाँ पे चेसिस से लेके यहाँ पे एक वॉल्यूम तक आपको ATI प्रो का ओरिजिनल ही मिलेगा। साथ ही दोस्तों ये आता है पीछे आउटपुट और इनपुट सॉकेट्स यानी जो पैनल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चैनल ए और चैनल बी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ पे वायर का ये सॉकेट्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आ गया, और यहाँ पे आपको ये जो बटन दिख रहा है ये बेसिकली दोस्तों ये रीसेट के लिए काम में आता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देते हुए चलना है। यहाँ पे वायर की क्वालिटी काफी अच्छी है, और जो लेंथ है वो भी मुझे काफी अच्छी देखने को मिल रही है। यही दोस्तों आप देख सकते हैं ये इनपुट पैनल हो गया। तो यहाँ पे 4 चैनल के अंदर मैंने अभी तक जितने भी एम्पलीफायर देखे हैं यहाँ पे इनपुट मुझे 4 ही मिलते हैं, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक चैनल को जो है वो सेपरेट इनपुट मिल जाता है, लेकिन जो आउटपुट होता है वो दोस्तों यहाँ पे 4 नहीं होते, कभी 2 दे दिए जाते हैं, कभी 1 दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे चैनल ए, तो वहीं से आपको चैनल ए का आउटपुट भी मिल जाएगा। तो आप और एम्पलीफायर इसी साथ अटैच कर सकते हैं बहुत ही इजिली, तो यहाँ पे आपको 4 आउटपुट मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों नीचे की साइड आप देख सकते हैं ये आपको मोड सिलेक्शन स्विचेस मिल जाते हैं, तो ये सेंसिटिविटी हो गया है। यहाँ पे मोड आप स्टूडियो पैलर जो करना चाहें वो कर सकते हैं, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे ये जो मोड है वो आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों ये सेंसिटिविटी और भी चैनल के लिए आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड
यानी सी और डी चैनल के लिए हमारे थर्ड और फोर्थ चैनल का आउटपुट हो गया। स्पीकर के साथ भी आप ले सकते हैं या तो चाहे आप यहाँ पे वायर सॉकेट का यूज कर सकते हैं। बाकी ये फैन टू हो गया, इसके अंदर टोटल चार फैन लगे हैं, जैसे कि ये फोर चैनल एम्पलीफायर है तो यहाँ पे चार फैन जो है वो कंपनी ने बहुत ही अच्छे फैन दे रखे हैं और ATI प्रो की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कैसे लगा एम्पलीफायर आपको बैक पैनल और फ्रंट पैनल से, और यहाँ पे डिजाइन और लुक वाइज और बिल्ड वाइज आपको कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट बताएगा। अब तो हमने कर लिया यहाँ पे फ्रंट और बैक पैनल पे, हमने देख लिया है कि क्या क्या चीजें हमें मिल जाती है। अब चलते हैं इस एम्पलीफायर के अंदर घुस के, हम देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या डिटेल देखने को मिलती है, पार्ट की क्वालिटी कैसी है, यहाँ पे मार्केट में इजी मिलता है या नहीं मिलता है। तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन पॉइंट रहने वाला है कि ये आफ्टर सेल सर्विस के बाद कंपनी जो पार्ट्स हमें देंगी क्या वो इजीली मिल जाएगा अगर हम मार्केट से या आफ्टर मार्केट से परचेज करें। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये एम्पलीफायर क्वालिटी अंदर की देखते हैं। तो दोस्तों भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर के आपको अंदर की साइड इनसाइड आपको क्या क्या डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ और डिटेल्स में बता पाऊँ आपको तो देख सकते हैं ये आ जाता है मॉड्यूल चैनल 1 और चैनल 2 और चैनल 4 के इसके अंदर ही आपको मिक्स मिलेंगे, यानी आपको ऐसे नहीं है कि सेपरेट सेपरेट दे रखा है, यहाँ पे बीच में से आपको डिवाइड कर दिया गया है जो मॉड्यूल है एल्यूमिनियम का, यानी जो फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का उसी पे आपको ये बीच में से चैनल डिवाइड करके दे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहां से अगर आप देखेंगे तो ये चैनल 1 हो गया, ये यहां से देखेंगे इस वाले से यानी इस वाले ट्रांजिस्टर से अगर आप देखेंगे तो ये जो होगा वो चैनल 2 या चैनल 4 आपको कहलाया जाएगा। और यहाँ पे आपको ये ट्रॉयडल ट्रांसफार्मर में आपको देखने को मिल जाता है, तो ये आप ट्रांसफार्मर की क्वालिटी को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आपको कैपेसिटर्स हैं वो आपको काफी हैवी क्वालिटी और काफी हैवी पावर के देखने को मिल जाते हैं, जिनकी जो वैल्यू है वो है 3300 UF 160 वोल्ट के आपको देखने को मिलते हैं। तो यह आता है पावर सप्लाई, इतना बीच का पोर्शन यह आता है चैनल 1 और यानी मॉड्यूल जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। MOSFET हम गिन लेते हैं, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं वो हम गिन लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो 16, 16, 32 और 32, 32 यहां आप टोटल देख सकते हैं कि कितने सारे आपको MOSFET देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों ये आ गया ब्रिज रेक्टिफाइज हो गए, यहां पर रिले यानी जो सेफ्टीज हैं वो काफी अच्छी मिल जाती हैं। पावर सप्लाई में भी आपको जो है वो फ्यूज देखने को मिलता है, तो जो बाय चांस अगर लाइट में आपके जो फॉल्ट रहता है अगर वो रहे तो यहाँ पे ये फ्यूज आपको उड़ जाएंगे, यानी फ्यूज ही कट जाएगा, तो उससे आगे वाला जो फॉल्ट होगा वो नहीं होगा, यानी जो कैपेसिटर्स होंगे वो आपके नहीं फटेंगे। और यहाँ पे बाकी मॉडल्स में आपको 1, 2 और 4 रिले आपको मिल जाती है, 2 इधर 2 रिले मिल जाती है, 1 रिले उधर मिल जाती है, और काफी सेफ्टी के साथ यहाँ पे पूरा का पूरा SMT में यूज करा गया है। तो जो ये रेस्टोरेंट्स हैं ये सारे के सारे आपको जो पता है मार्केट में मिल जाती हैं, कोई भी आप यहाँ पे पार्ट आप गिन लीजिए, कोई भी किसी भी उंगली रख दीजिए आपको मार्केट में इजीली प्राप्त यानी मिल ही जाएगा। बाकी दोस्तों चलते हैं यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ इस मॉड्यूल को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ हमारे इस एम्पलीफायर से ये मॉड्यूल, और मॉड्यूल में आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी को, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक भी पार्ट ऐसा यूज नहीं करा गया है जो मार्केट में मिले ना, तो ये शर्त है मेरी दोस्तों आपसे, ये आप कोई भी पार्ट ले लीजिए, चाहे यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, चाहे ट्रांजिस्टर्स हो, यहाँ पे कैपेसिटर्स हो, यहाँ पे रिले हो, यहाँ पे वायर हो, चाहे ये कॉइल हो, चाहे ये कैपेसिटर्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको सारा मार्केट में अवेलेबल मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे बाकी आपको कंपनी तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे ये आप लेंथ को देख सकते हैं यानी मॉड्यूल को देख सकते हैं कितना लंबा है यहाँ पे, और ये क्वालिटी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लू कलर का कार्ड इसके अंदर यूज करा गया है, फुल्ली रिपेयरेबल है, असेंबली सर्किट बोर्ड जिसे हम कहते हैं वो ये कहलाया जाता है। तो कुल मिला के आप इसकी क्वालिटी को मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ जाता है दोस्तों इसकी क्वालिटी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये चलते हैं कुछ और डिटेल में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगी आपको इंटरनल पार्ट की क्वालिटी जरूर नीचे कमेंट बताएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यहाँ पे पावर रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पावर रेटिंग की बात करूं 8 ohms की, तो ये 8 ohms पे आपको पर चैनल जो है वो 800 वाट देता है, यानी 800 वाट आपको दे देता है पर चैनल पे। यही दोस्तों अगर आप इसको 4 ohm पे रन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपको 4 ohm पे
1200 वाट दे देता है। तो दोस्तों काफी अच्छी आउटपुट है यहाँ पे, 1200 वाट आपको 4 ओम पे दे देता है, तो आप इजी टू इजी यहाँ पे 1200 वाट की जो टॉप है वो चला सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे आप जो लाइनर हैं ड्यूल 600 के जो लाइनर होते हैं वो आप इस पे रन करवाइए, तो काफी अच्छी क्वालिटी के साथ काफी अच्छी मिड और हाई आपको मिलेगी लाइनर की। तो 4 लाइनर डाले यहाँ पे डबल के 600 के और मजा आ जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप टॉप चला सकते हैं इस पे, बाकी मैं आपको जो टेस्टिंग है वो तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों यही अगर कुछ और डिटेल के बारे में बताऊं तो ये इसका जो डैम्पर फैक्टर है वो दोस्तों है 500, तो यहाँ पे इसका जो डैम्पर फैक्टर दोस्तों वो 500 रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों ये क्लास एच का एम्पलीफायर आ जाता है और काफी वजन के हिसाब से अगर हम 4 चैनल के हिसाब से देखें ट्रॉयडल में अगर ट्रांसफॉर्मर में देखा जाए तो ये काफी वजन में हल्का यानी 30 टू 35 केजी के बीच में वैरी करता है इसका वजन, तो ये भी मुझे काफी प्लस पॉइंट लगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर ट्रांसफॉर्मर के एक किसी भी 4 चैनल एम्पलीफायर में जाना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंडेशन दूंगा। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ, तो ये आउटडोर टेस्टिंग है, क्या क्या लोड डाला है मैंने इस पे वो भी आप देख लीजिए। तो चलिए टेस्टिंग देखिए। तो दोस्तों वक्त आता है यहाँ पे हमारे एम्पलीफायर को टेस्ट करने का, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं रख चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन समझा दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप सिंपली यहाँ से आउटपुट लेते हैं किसी भी मिक्सर से, चाहे वो XLR से यहाँ से लीजिए, चाहे आप यहाँ पे TS से लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपली आपको चैनल A में, जैसे कि आप देख सकते हैं इनपुट कर चुका हूँ, और यहीं चैनल B में इनपुट कर चुका हूँ, और यहाँ पे अब क्या है कि मेरे पास तो 4 आउटपुट तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पे डीजी चेन का काम करूँगा जैसे बाकी एम्पलीफायर के साथ काम करता हूँ। तो यहाँ नीचे से आउटपुट लूंगा उसी चैनल के ए, जैसे ए में मैंने इनपुट करा तो ए से ही आउटपुट लेके मैं अपने सी वाले चैनल को इनपुट दे दूंगा, और सेम ऐसी चैनल 2 के आउटपुट लेके मैं अपने चैनल डी में इनपुट कर दूंगा। तो सिंपली बहुत इजी होता है ये कनेक्शन, आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा कुछ लेंथी प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो सेटिंग्स हैं वो नॉर्मली आपको रहने देनी है, और यहाँ पे आउटपुट दे सकते हैं ये 4 स्पीकॉन्स हैं, यानी हमारा 4 चैनल एम्प है तो 4 स्पीकॉन्स हो गई। और चलते हैं यहाँ पे टेस्ट करते हैं, अभी ये टॉप लग रहे हैं तो मैं आपको उसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। 1200 वाट के टॉप है हमारे ये, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देते हुए चलना है, ये 1200 वाट के टॉप है। हम टेस्ट करते हैं एम्पलीफायर को, मैं ऑन करता हूँ, तो ये मैं ऑन कर चुका हूँ और एम्पलीफायर को फुल कर देते हैं हम, यहाँ से मैं फुल कर चुका हूँ। और यहाँ पे मिक्सर से मैं अभी ब्लूटूथ कनेक्ट कर चुका हूँ, बेसिकली यहाँ पे ब्लूटूथ यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से अभी मैं गाना प्ले करता हूँ और फेडर को उठाऊँगा। अच्छा परफॉर्मेंस करा इसने और बेस भी बिल्कुल दब के आ रही थी यहाँ पे एम्पलीफायर में, और यहाँ पे मेरे 1200 वाट के टॉप को ऐसे नचा दिया, ऐसे धुन दिया ना इसने पावर में, मतलब मुझे कहीं पे भी कम नहीं लगा कि ये पावर में कम है या आउटपुट बिल्कुल गलत दिख रखी है।
तो मजा ऐसा आ गया इस एम्पलीफायर को सुनने के बाद। और बिल्कुल से बिल्कुल दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप 4 चैनल के एम्पलीफायर में जाना चाहते हैं तो ये मार्केट में अवेलेबल है। एक आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे जो बैक में आपको इनपुट और आउटपुट दे रखा है बहुत ही बढ़िया है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, 4 ही इनपुट और 4 ही आउटपुट भी आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे डीजी चेंज करने में आपको ईजी रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपके पास ये पावर रेटिंग जो है बिल्कुल आपके टॉप के लिए बिल्कुल मैच टू मैच है। यहाँ पे बाकी मैंने आपको सिचुएशन बता दिया कि आप यहाँ पे 1200 वाट के टॉप, तो जैसे मैंने आपको चला के दिखाया। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप 800 वाट की जो टॉप है वो भी चला सकते हैं, 3 इंची वाले वॉइस कॉल की अगर आप टॉप चला रहे हैं ड्यूल के तो वो चार्ज लगा दीजिए, चाहे आप यहाँ पे 4 इंची की वॉइस कॉल के लगा रहे हैं टॉप तो वो 4 टॉप आप इस पे लगा दीजिए, मजा सा आ जाएगा। बाकी दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल रिकमेंडेड है। और यहाँ पे आप बात करते हैं इसको परचेज कहां से करें, तो दोस्तों ये कस्टमर केयर नंबर शो रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये ATI Pro का कस्टमर केयर नंबर है, तो आप अपना स्टेट का डिटेल्स है यहाँ पे शेयर करिए और आपको प्राइसिंग डिटेल्स मिल जाएगी, साथ ही कहाँ से अवेलेबल होगा आपके स्टेट से तो वो भी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ये एम्पलीफायर आप मेरे थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल से बिल्कुल आइए आप मेरे थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, आपको कस्टमर केयर नंबर दे दिया, आफ्टर सेल सर्विस भी आपको इसी नंबर से प्रोवाइड होगी, तो मार्केट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आफ्टर सर्विस तो आप कंपनी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एंड टू एंड आपके साथ बिल्कुल से बिल्कुल खड़ी रहेगी। बाकी दोस्तों ये आपको कैसा लगा एम्पलीफायर वो मेरे लिए मैंने रखा तो जरूर नीचे कमेंट बता दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को जो सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।